मुझे थोड़ी देर की ये लोग ब्रेक दे देते हैं कि आप सिर्फ सुने और गेस्ट बातें करें। चलिए शुरू करते हैं। आपसे पहला सवाल किया मिकाल, अगर अदाकार नहीं होते तो क्या प्रोफेशन चुनते? बिजनेसमैन तो बन चुके हैं, और क्या चाहिए भाई? एक्चुअली मैं म्यूजिशियन बनना चाहता था, सिंगर बनना चाहता था। आवाज अच्छी है आपकी। आई गेस। या कुछ मतलब बजाना आता है? गिटार। आई यूज्ड टू प्ले द गिटार एंड द पियानो। मैं तो प्ले द गिटार। तो म्यूजिशियन बनने का शौक था, सिंगर बल्कि। बट तो अगर अदाकार ना होता कुछ अनप्लग गा सकते हैं? नहीं अभी नहीं। अगर गिटार मंगवा ले विद द व्हाइल द शो इज लाइव तो मैं बजा दूंगा। हां गिटार है, जल्दी से भागो ऊपर प्रॉप्स पे, देखो गिटार मिल जाए तो सही है। शख्सियत को अगर किसी खाने से कंपेयर किया जाए तो वो कौन सी डिश होगी? ये तो नहीं, आई थिंक इट्स अ अमलगमेशन ऑफ अ लॉट ऑफ कुजीन। आई थिंक यू आर स्ट्रॉबेरी शेक। ओह प्यारी सी, क्यूट सी। नहीं बट मजा आता है वो पीने में, वो सिंपल सा हो गया ना। आई थिंक मैं होती कोई बड़ी, आई थिंक मैं होती दाल चावल। ये सिंपल नहीं है? नहीं आई थिंक दाल चावल। देखो दाल चावल, खट्टे बैंगन साथ, अचार, कचूमर, रायता, वो सब होती है। वैसे दाल चावल का मजा वैसे ही आता है। मैं तो बड़े लवाजमात के साथ खाता हूँ। लवाजमात है, पापड़ वापड़ ये सब। आप हैं दाल चावल के? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन लवाजमात के साथ, not plain, not plain, plain, I don't mind, obviously अच्छी बनी हो, लेकिन हाँ। I can eat दाल चावल every day and be happy. I'm that sort of person. और तुम्हें नहीं लवाजमात चाहिए? नहीं, ऐसे भी खा सकते। मुझे अच्छा, मुझे गर्म खाना खाना पसंद है और ताजा, तो वो दाल चावल रोज हो, सब्जी हो, I'm not a big meat eater. अच्छा, तो वो मुझे वो बड़े पसंद है। हाँ भाई जबरदस्त जी। क्या हुआ, मैं पढ़ दूं? मुझे पता है आपकी अम्मा अंग्रेज हैं। निकाल किसी भी शख्स से पहली मुलाकात में सबसे पहले चीज क्या नोटिस करते हैं? आई थिंक उनकी शख्सियत ही, आई मीन यू नो जो उनकी पर्सनालिटी होती है, लबो लहजा कैसा है, शक्ल सूरत भी नोट करते होंगे आप। ठीक है, वो भी पसंद है, लेकिन क्या कहते हैं, नहीं लेकिन जो नोट करता हूँ मतलब शक्ल सूरत तो बंदा दूर से भी नोट कर लेता ना। हाँ, तो किसी से मिलकर, हाँ मिल वो तो ठीक है, लेकिन आई थिंक उनकी जो पर्सनालिटी होती है ना, हाँ, तो, वो ज्यादा मार्क। आदत कैसी है, लबो लहजा कैसा है। अच्छा, हमेशा से आप यही करते थे नोट, या जब यंग थे तो सिर्फ हुस्न परस थे बस? नहीं नहीं ऐसा नहीं, आई थिंक एज आई सेड हुस्न तो बंदा दूर से भी देख सकता है। इट्स नॉट मुलाकात करनी जरूरी नहीं है हुस्न देखने के लिए। So दूर से भी किसी को यू कैन लाइक समवन या तस्वीर देख के भी, लेकिन टू जज समवन आई थिंक। सो आपको क्या अच्छा लगता है, अगर हम बात करें किसी लड़की की पर्सनालिटी में आपको क्या अच्छा लगता है, और किसी मर्द की पर्सनालिटी में आपको क्या अच्छा लगता है? आई थिंक यू नो आई एम अ वेरी ट्रेडिशनल काइंड ऑफ अ पर्सन। आई थिंक तो लड़की में अगेन कमिंग जो मतलब जैसी उसकी आदत है, बोलचाल है, थोड़ी रखरखाव, थोड़ी ईस्टर्न, हां आई थिंक सो, मुझे वो चीजें पसंद है। हां and you know I'm also a boy's boy or a man's man, so I think you know I like you know just jaise macho man, not a macho man, but thode se careless se hote hain boys and you know, rough tough aadmi aapko rough tough nahi kid matlab kya kehenge laobali laobali ya laobali bhi kehte hain yeah I don't even know what that means but ha nahi aapko jaise apna apne dost banane mein formula lagane ki koshish kar raha hu main formula ban to nahi अच्छा दुरे फिशा के मुताबिक ऐसी कौन सी तीन आदतें हैं जो उनके होने वाले लाइफ पार्टनर में हरगिज नहीं होनी चाहिए? चलो भाई ये तो पता होगा तुम्हें। आई जनरली लाइक वेरी काम कंपोज्ड पीपल, तो आई थिंक बहुत जो हर वक्त रश रश में टू बी एवरीवेयर, That's not. दूसरा आई थिंक नहीं होनी चाहिए, आई थिंक वो खाने से ना भागना चाहिए उन्हें खाने के शौकीन होने चाहिए, मतलब शौकीन ना हो बट कुछ ऐसे होते हैं ना कि बस हम जिंदा होने के लिए खाते हैं, बस खा लिया कुछ भी मिल जाए, आई थिंक नो टेस्ट, और वो नहीं होना चाहिए। तीसरा आई थिंक अपनी एक इंडिविजुअलिटी होनी चाहिए, और दूसरे बंदे पे वो ओवरपावर नहीं करनी चाहिए। आई थिंक ये एक चीज़ है जो आई थिंक अट्रैक्ट्स मी अ लॉट इन मेन, व्हेन दे आर नॉट ट्राइंग टू इम्पोज देमसेल्व्स ऑन अ वुमन।
आई थिंक वो एक चीज है. उर्दू में इसको कहना चाहिए था मुझे बट अगर मैं यही सवाल आपसे पूछूं कि अगर आप दोबारा अपनी जिंदगी शुरू करना चाहें जीरो से, हर किसी के साथ होता है जिंदगी में, सो अब आप इस एज में मैच्योर होने के बाद क्या तीन चीजें नहीं देखना चाहेंगे अपने लाइफ पार्टनर? हां, अगेन कमिंग बैक टू, मैंने आपको कहा मैं आई एम क्वाइट ट्रेडिशनल एंड क्लासिक. यू वांट ईस्टर्न? नहीं, नॉट जस्ट ईस्टर्न. अगेन आई थिंक जो उसका बोलचाल है, यू नो, एक रिस्पेक्ट, यू नो, डेफिनेटली रिस्पेक्ट सबसे ज्यादा, कि वो अपने स्पाउस की रिस्पेक्ट करे, रिस्पेक्ट हो और आपके आपस की रिलेशनशिप में भी वो रिस्पेक्ट हो, तो यू नो आपके घर वालों की भी रिस्पेक्ट करे, लाइक आपसे रिलेटेड जो भी लोग, तो जनरली जो हां डिमीनर हो ना उसका, आई थिंक दैट्स द, आई मीन एक ही चीज काफी है, बस एक ही चीज काफी, ये कोई पूरा कर दे तो काफी, बाकी दो चीजें मैटर नहीं करती, वो रिस्पेक्ट चाहिए बस. Respect होना चाहिए, I think that's very important. मेरे माँ-बाप ने मुझे ये कहा था वैसे. हाँ, I think that's the core and crust of every relationship. ये तो है, respect. ये तो है. So बस उसमें ये वो respect का element हो आपके लिए, बाकी सब चीजें कबूल हैं. वो फिर बाकी manage कर लेंगे. बाकी manage. So हमको एक कोई खुशखबरी सुन रहे हैं कि नहीं सुन रहे? हमारा इतना handsome hero जो है, वो ऐसे अकेला नहीं घूम सकता. आपके show पे आके करवाऊंगा, ठीक है? Yes, क्योंकि भाई ये हमसे भी सवाल आते हैं कि ये क्या, कब हम खुशखबरी सुनेंगे? किसके, आपका सवाल तो हुआ ही नहीं. ओके जी, तो मैंने अपनी तरफ से ही पूछ लिया. मिकाल की जिंदगी पर अगर कोई फिल्म बने तो उसका क्या नाम होगा? फिल्म बने तो क्या नाम होगा? होम अलोन. हाँ, होम अलोन. सिंगल डैड. रुलाएंगे क्या? मैं आपकी बेटियों को देख रही होती, दे आर सो सुपर क्यूट. थैंक यू. बल्कि I they might be watching. Hi Rania. Hi Lena. They're super cute. और माशाल्लाह आपकी और उनकी bonding देख के मुझे बहुत खुशी हुई. Thank you. कि ज़िंदगी में ऐसा होना चाहिए. Thank you. Thank you. Blessed. बाप और बच्चों के relation को कोई चीज़ ख़त्म नहीं कर सकती. ये खून के रिश्ते. बिल्कुल. हाँ. मैंने आपने जवाब दे दिया? ये मैं कहीं और चली गई. हाँ. दे दिया. अच्छा. Okay. दुर्रेफ़शा किसी भी मुश्किल में सबसे पहले किससे राब्ता करती हैं? Very easy. I think I call my mom. Or if mom doesn't fix up, then dad. तो अब ज़्यादा अच्छा मशवरा अब्बू देते हैं या अम्मी? दोनों poles apart हैं. तो अगर जैसे मैंने कोई script भी sign करनी हो, तो अम्मी से एक और मशवरा आएगा, बाबा से कुछ और आएगा. बाबा तो production में थे ना? थे. तो वो तो बहुत technical और उसपे. अच्छा, बाबा ये कहेंगे कि ज़्यादा मामा की सुनती हूँ और मामा कहेंगी बाबा की, but end पे I think वो एक mixture ही बन रहा होता है. बट एडवाइस में दोनों से. तुम क्या करती हो, स्क्रिप्ट पढ़ के उनको कहानी वन लाइन सुनाती हो? पॉलिटिकली करेक्ट भी है वैसे. देखिए मेरी, हां नहीं, मैं अपनी स्क्रिप्ट मामा से पढ़वाती हूँ. मैंने आज तक जो भी ड्रामा किया वो मामा ने काय कर. वो तुम्हें नरेट करती हैं, बैठी भी होती है और वो सुना रही होती है. क्योंकि ना मुझसे ना डस शी वॉच ड्रामास, शी ओ शी डस, शी डस, बट शी हैज अ वेरी गुड सेंस ऑफ स्क्रिप्ट्स. ओ हाउ कम? आई डोंट नो, बिकॉज़ जब आई थिंक आई डोंट नो, जब बाबा प्रोडक्शन करते थे तो मामा वाज पार्ट ऑफ एंटायर प्रोडक्शन और वो सब देखती थी. बट आई थिंक जो औरतें वैसे भी ज्यादा टीवी देखती हैं और क्वालिटी कंटेंट देखती हूं, उनको स्क्रिप्ट्स की आई. हमारे अब्बा का कोई ड्रामा बताओ ना प्रोड्यूस किया हुआ. वो पीटीवी पे आता था, एक डबल सवारी और एक आई थिंक आता था, ऐसे सिटकॉम्स आते थे ऐसे. अच्छा. बहुत आता. और प्राइवेट प्रोडक्शन थी वो, उनकी अपनी प्रोडक्शन थी. अच्छा. लाहौर में. और मुझे याद है मुझे इजाजत नहीं होती थी ऊपर जाने की, क्योंकि हमारे घर के ऊपर ही सेट लगा होता था, हो रही होती थी. और अब मैं जिनसे भी मिलती हूँ, ऑल बाबा फ्रेंड और ऑल, कहते हैं हाय हमने तुम्हें गोद में उठाया, छोटी बहन को और मेरी छोटी बहन को भी खिलाया हो. हाँ. वो कहती है तुम मेरी आइडेंटिटी ले रही हो. हाँ. तो ये होता है बहुत ज्यादा. अच्छा, तो अभी आपने बराबर कहा कि बराबर बराबर बराबर, लेकिन अम्मा अब्बा ही होते हैं. अम्मा अब्बा फर्स्ट पर्सन. आप बताएं. उर्दू का टेस्ट किया आपने, मुझे आप कहीं मैं पढ़ दूं आपके लिए. ओके. मिकाल अपनी जिंदगी का कौन सा लम्हा फॉरवर्ड करना चाहते हैं? आई थिंक कोई ऐसा लम्हा नहीं है, बिकॉज आई थिंक हर चीज़ जो है आपको शेप करती है और हर चीज़ से आप सीखते हो. आई थिंक द ओनली अनइवेंटफुल जो हिस्सा था मेरी ज़िंदगी का, वो प्रॉब्ली बचपन था. आई मीन उसमें वो बड़ा एक नॉर्मल सा वो गुजरा. आई थिंक जब से मैं बिजनेस काम शुरू किया तब से तो उतार चढ़ाव उतार चढ़ाव इस तरह. आपका बचपन, आपको क्या लगता है आपको? मतलब एज इन बड़ा अनइवेंटफुल था, बड़ा नॉर्मल सा, नॉर्मल जैसे सारे बच्चों का होता है. एग्जैक्टली. आजकल के बच्चों के पास तो चीजें भी बहुत होती हैं करने की.
हमारे पास आपके पास बचपन की कोई कहानी नहीं है, बिल्कुल नॉर्मल बचपन था कि मैं कहीं गुम गया था या कुछ ऐसा हो गया था, कोई ऐसी कहानी? एक दफा आपने आपको कमरे में बंद किया था, क्यों? और अब्बू बड़े परेशान हुए थे, और पता नहीं कोई होगी वजह, कोई किसी लड़की वड़की का चक्कर तो नहीं था? नहीं नहीं नहीं, बहुत छोटा था, कुछ 6-7 साल का। एक छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के बाद ये दोनों खूबसूरत सेलिब्रिटी गेस्ट हमारे पास। एक सवाल रह गया। रह गया? अरे एक मिनट, क्या हम सवाल लेते हैं, बात करें? अच्छा चलो चलो चलो, अच्छा सवाल सुन लो। मेरा आखिरी सवाल, हाँ, दुर्रे फिशा को किस चीज से फोबिया है? मुझे कन्फाइंड स्पेसेस से बहुत फोबिया, मतलब बंद जगह, मतलब मुझे खिड़की देखनी होती है बाहर। अब तो मैं बहुत ठीक हो गई हूँ, बट इनिशियली ये होता था कि जब तक मुझे यहाँ से बाहर कुछ नजर नहीं आ रहा ना, तो मेरा सांस बंद होगा। अच्छा, मेरी अम्मी से मुझे इनहेरिटेड है, तो वैसे यहाँ कोई खिड़की नहीं है, हमारे पास कोई खिड़की नहीं है। आई नो, बट आई बड़ी खुली जगह है, नाउ वी लिव इन खिड़की का सेट लगा हुआ है, खिड़की है। नहीं, आई एम टेलिंग यू, अब आई एम अ लॉट बेटर। तो लिफ्ट नहीं यूज करती तुम? करती हूँ, बट आई प्रेफर स्टेयर्स। ओह, एक Hi, this is HSY. If you like what you see and want to see a lot more, you need to subscribe to the ARY Digital YouTube channel.